अस्सलाम वालेकुम है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कहता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। 12:30 का टाइम हो चुका है और मैं अब उठा हूँ। उठ तो काफ़ी देर से गया था लेकिन फिर सो गया एक बार। आज लॉन्ड्री ये था, घर वाले ने कपड़े धोए ऊपर देखे सारे, धो के फर्श वगैरह धो के सारे फ्री ऊपर धूप में बैठे हुए हैं। मैं नाश्ता करने लगूँ, देखते हैं आज नाश्ते में क्या है। यहाँ पे पड़ी हुई है गोभी, ये मैं फ्रिज से निकाल के ले गया हूँ, और साथ आए पराठे। इसको अभी हम गोभी को गर्म करते हैं किसी चीज़ में डाल कर। तो सारी चिपकी हुई है फ्रीज़र की वजह से ना, इसको चिपकी हुई है। यहाँ से लेते हैं फ्राई पैन, और उसके बर्तन जो है ना वो कभी भी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, जब भी उठाओ ना उसमें एक बार पानी ज़रूर फेर लेना। इसमें डालते हैं अब हम सालन। बेकार से मैंने मोबाइल भी पकड़ा हुआ है ना, कैसे डालें। चलो ये चिपका रहे अंदर ही, हम चम्मच ले लेते हैं। चम्मच से लेके अपना अलग से डालते हैं। इतना बहुत है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं खाता। हम चलते हैं यहाँ पे चूल्हा, एक हाथ से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, नहीं कोई आइडिया नहीं करते। कैसा मैं ले आया हूँ अपना नाश्ता तैयार करके, अब बैठ के खाते हैं सुकून से। गोभी का टेस्ट चेंज हो गया था, अभी मैं दोबारा जाके ना अंडे बना के लाया, दो किस्म के, एक ये वाला और एक ये वाला। अब रोटी के साथ खाऊंगा मैं। जो हूँ इस टाइम हो चुका हूँ तैयार, कपड़े शपड़े पहन के नहा धोकर, सपारा पड़ने का टाइम हो गया। अब मैं उनको उधर लेकर जा रहा हूँ, हमारे किधर जंगी शेर बनाएगी। बच्चों को सपारा पड़ने लेके जाना है, दम भी करवाना है, और उनको छोड़ के आते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं कहीं निकलूँगा, बताना नहीं है घर वाले फिर बोलते हैं। अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल तैयार। कहाँ जाने के लिए? अरबी। अरबी जाने के लिए रोज धो के जाते हैं, पता नहीं इनको हो क्या गया, रोज ही रोते क्यों हो? इनको चलते हैं छोड़ के आते हैं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करो। बच्चों को जो है ना वो छोड़ दिया, साथ उनकी मामा भी आई हुई थी, वो गई अंदर छोड़ने के लिए। एक तो फीस देनी थी आज उनकी, और दूसरा उनको दम वम करवाना है, और उनको बता के आना है कि ये लोग ज़िद बहुत करते हैं, आते हुए इस परा पढ़ने के लिए बहुत रोते हैं, ज़िद करते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। अच्छे भले ठीक ठाक आते थे, ज़िद नज़र लग गई किसी की। ये वो शॉप है जो हमने सेल की थी, उमर के पास थी, छोटे भाई के पास, हमने सेल कर दी। ये सारा सेटअप जो है ये पहले हमारे पास हुआ करता था। यहाँ बैठ के वो पुरानी वाली फीलिंग आ रही है। अब ये हमारे दोस्त ही हैं, उस्ताद हैं, जिनको हमने ये सेल की है। सुबह से बोर हो रहा हूँ घर बैठा, ये शलजम लेके गया हूँ पहले, वो जाके खाए हैं कच्चे काट के, फिर मटर लेके गया हूँ, वो मैंने सोचा निकालते हैं, देखा सारे सोए में हैं, मैंने कहा अब सोए रहने दो इनको। एक हाथ से मोबाइल पकड़ो और एक हाथ से मटर तो नींद निकलते, मैंने कहा साथ होंगे तो निकालते हैं। अभी वहीद को कॉल की है, वहीद भाई को, वो सो रहे थे, वो कहते 4 बजे मैं आऊँगा तकरीबन आपके पास। अब 4 बजेंगे तो मैं उनके पास जाऊँगा, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मुझे बुला रहे थे रात के, मैसेज किया हुआ था उन्होंने मुझे। इधर आके भी मैं अपनी वीडियो चलाई हुई है, ऐसे है ना वाच टाइम मिल जाता है। एक तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं मुझे। अब जाके जो है ना वो वहीद भाई का मैसेज आ गया कि मैं उठ गया हूँ, आ जाओ। अब चलते हैं वहीद भाई की तरफ, देखते हैं क्या कह रहे थे, क्या इन्जॉय मिल के करेंगे, देखो क्या इन्जॉय होता है वहाँ पर। वैसे तो सारा दिन घर बैठ के बोर हो रहा था मैं। आ चुके हैं हम वहीद भाई के घर पर, अभी कॉल की थी, मैंने कहा चाबी फेंक दो, मैं नीचे से खोल लेता हूँ, कहते मैं आ रहा हूँ ऊपर से खोली। तो फाइनली वहीद भाई के घर पे आ चुका हूँ मैं, बैठ चुका हूँ यहाँ पे। रात से मैसेज इनका आया हुआ था कि आओ यार मुलाकात करो, काफ़ी दिन हो गए मिले नहीं है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं, वो भी इस्लामाबाद दूर से आते जाते हैं। 15 दिन पहले मैं आया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा, 15 दिन पहले मैं इनके पास आके बैठा था, या आ जाया हूँ। ये है ब्लॉगिंग स्टिक, सोच रहा हूँ मैं भी ले लूँ एक, मैंने ली भी है पर इतनी पायदार नहीं है, इससे जो है ना वो थोड़ा अच्छा कैप्चर हो जाता है।
ये भाई के पास पड़ी हुई थी तो मैंने भी लगाई, वो लेकर आए हैं। मेरे ख्याल अपनी कोई वीडियो शूट करने लगे हैं, मेरी मदद लेने के लिए मुझे बुलाया गया है कि यार आ कुछ बता, कुछ वो मुझे बता देते हैं, कुछ मैं उनके साथ बैठ के उनको बता देता हूँ। तो एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे का मसला हल करते रहते हैं। तो ये अपनी चीज़ें जमा कर रहे हैं, पहले लेकर आए हैं लैपटॉप, वो पड़ा हुआ है सामने, फिर एक्सटेंशन लेके आए हैं, मतलब अपना सेटअप तैयार हो रहा है, यहाँ पे स्टूडियो बनने वाले हैं। देखो अब क्या बनता है, यहाँ पे क्या करना है। बेहतरीन स्टिक है यार, यहाँ से तो बंदा इससे अच्छा कैप्चर कर लेता। मैं भी इसके साथ लेके आता हूँ। एक तो ऊपर टार्च लगी हुई है इसके, जो आपका फेस जो है उसको ये करेगी, मतलब लाइट देगी। और दूसरा जो है ये बहुत मज़बूत है, मैं भी इसको ऐसे ऐसे हिला के देखा कि बाइक पर बैठे हुए तो नहीं ये तंग करेगी, तो इसके साथ मैं भी मंगवाता हूँ, बेहतरीन है। है भी ये छोटी सी, मतलब इस ये काम काफ़ी बड़ा तक दे जाती है, मतलब इतना बड़ा स्टैंड ऊपर तक जो है ना 3 से 4 फुट तक ये दे जाती है। ये देखे ना, अच्छी वाली है, चाइना से मंगवाई ना दराज से। तो इसके अंदर मोबाइल लग जाता है, ये सामने ऊपर टार्च लगी हुई है, और मैंने इसको अच्छी तरह हिला के देखा मोबाइल लगा के, इसमें जो है ना वो मोबाइल गिरेगा नहीं। उसके बाद आप इसको कहीं पे भी स्टैंड भी कर सकते हैं, मतलब नीचे जो है ना ये ओपन हो जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखे ना, एक हाथ से जो है ना मोबाइल पकड़ के और दूसरे हाथ से चीज़ दिखाना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखे ऐसे खुल जाती है, किसी जगह पे भी आप रख के भी शूट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे आपने रखना है, सामने मोबाइल लगाओ अपने और जिधर मर्जी बैठ जाओ, हर किस्म की शूटिंग के लिए अच्छा है। और ये उन्होंने मेरे ख्याल 1500-1600 रुपये का मंगवाया था। अभी जो है ना वो सेटअप सारा तैयार हो रहा है, देखे स्टूडियो तैयार हो रहा है, लैपटॉप रख के वही वही सामने लाइट लगा ली है। अभी जो हम यहाँ पे वो वीडियो बनाने लगे हैं रिएक्शन पे, मतलब रिएक्शन नहीं, वीडियो पे रिएक्शन देंगे। वो वीडियो नई जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, वो हफ्ते में एक बार जो ना हर संडे इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे अब कि अब हम रेगुलरली वो बनाया करें, जब भी टाइम मिला करेगा ना, कोई ज़रूरी नहीं हफ्ते में, जब भी टाइम मिला करेगा। क्यों वहीद भाई? जी जी इंशाल्लाह, जब भी टाइम मिला करेगा तो हम वो रिएक्शन वीडियो जो है ना वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी। 2 से 3 चैनल अपलोड किए हैं, न्यू इनके स्टार्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह मिलके वीडियो बनाया करेंगे सब। वो रिएक्शन वीडियो इंशाल्लाह आया करेगी जल्दी ही आपके सामने, एक और चैनल पे हम नजर आएंगे और दोनों भाई इकट्ठे नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो जी भाइयों, इसे हम लोगों ने 2 वीडियोस पे जो है ना वो रिएक्शन वीडियोस जो है हमने बना ली हुई है यूट्यूब के लिए, जो अपना नया चैनल है वो इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में अगर ना हो सका, अगर तो आज अपलोड की तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी आप ज़रूर जाके देखना और उस चैनल को सब्सक्राइब करना। और वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उस पर भी आप लोग कमेंट वगैरह ज़रूर करिएगा। बहुत सी कमियाँ होंगी क्योंकि अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है ना, तो जो जो कमी आपको महसूस हो वो भी आप बता दीजिएगा मुझे। मजीद हमारा आप सेटअप देखें, मतलब लैपटॉप पड़ा हुआ है सामने और लाइट जल रही है, मतलब सारा सिस्टम हमने ये एकदम यहाँ पे बनाया हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे ही हमारी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक बेहतरीन सेटअप बनाएंगे, एक ऑफिस बनाएंगे जहाँ पे बैठ के एडिटिंग किया करेंगे, जहाँ पे बैठ के अपनी वीडियोज़ हम जो है वो बनाया करेंगे, तो वो एक प्रॉपरली काम हो जाया करेगा। क्यों वहीद भाई? जी जी इंशाल्लाह ताला कोशिश की है, अब इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आप लोगों के हाथ में है, जितना आप सपोर्ट करोगे, जितनी यानी कि आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहेगी उतनी जल्दी हम कामयाब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। जारी सी बात है, अगर हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ना, तो जब आपके कमेंट और लाइक्स नहीं होते तो फिर हमारा दिल दुखता है, हमारे कहते हैं नहीं यार। जारी बात है यार, 236 सब्सक्राइबर है मेरे माशाल्लाह अब तक के, और मेरे लाइक और व्यूज़ कितने आते हैं, 60-70 नहीं, कम से कम जिसने सब्सक्राइब किया वो तो देखे ना यार। हाँ, जिसने सब्सक्राइब किया वो एक बार ओपन करके लाइक कर दिया करो बस, बाकी खैर है, अल्लाह ताला जो है काम अभी दे ही देगा इंशाल्लाह। और हम हार मानने वालों में से नहीं है, नहीं माने, बहुत करेंगे इस पे काम, बहुत इंतजार किया था, बस झिझकपन बहुत था, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जो अपना वो 3 चैनल ओके हो चुके हैं मेरे, 3 चैनल भाई भाई ने तो माशाल्लाह 3 चैनल अपने मोनेटाइज भी करवा लिए हैं। देखेंगे 2 मंथ लगते हैं, 3 मंथ लगते हैं, जब इसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई एक बार, जारी से बात पहली पेमेंट इसकी ना $100 के बाद ही आती, पहले नहीं आती, तो जब एक बार स्टार्ट होगी ना इंशाल्लाह ताला फिर रुकने वाली नहीं है। और $100 भी भाई थोड़ा नहीं है, पाकिस्तान के बनता है अभी भाई, $100 भी बड़ी बात है अगर एक बार आ जाए, एक बार जैसे ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो फिर ना ये रुकने वाली चीज नहीं है, फिर ये खुद ग्रो करता है। ये समंदर है समंदर, अब हमने इसमें डुबकी लगा दी है, अब निकलना नहीं है, कुछ लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मछली को नहीं अभी हाथ डालना, अभी छोटी छोटी मछलियों से स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा चैनल ग्रो करना शुरू कर देगा आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी याद रखा करेंगे। तो टाइम जो है वो आज काफी हो चुका है, अब जो है वही भाई के पास बैठा हुआ था,
वीडियो वगैरह अपनी जो है वो बना ली है इधर जो बैठ के बनानी थी, अब जो है मैं घर में जाऊँगा। मज़ीद जो है वो वीडियो मैं नहीं बनाने वाला क्योंकि पहली वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मतलब 10-11 मिनट की हो चुकी है, तो मज़ीद मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।